तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे है आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मस्त होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मस्त हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड यात्रा चारण, और मैं आया था देवभूमि उत्तराखंड चार धाम की यात्रा। तीन धाम मेरा हो गया है, अभी मेरा चौथा धाम होने वाला है। तो बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ, और सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख ही सकते हो कितना पहाड़ों के ऊपर बादल आ गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरा 5 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं हूँ फिलहाल जोशीमठ में, और आप लोग वीडियो पर बने रहना। तो आज हम लोग बद्रीनाथ पहुँचने की कोशिश करेंगे, और बाकी इतना खूबसूरत मौसम के साथ तो मैं आपने वीडियो शूट ही कर लिया भाई, मन नहीं मान लिया। तो बस आप लोग वीडियो पर बने रहना। और अभी जोशीमठ में है नरसिंह भगवान का मंदिर, नरसिंह भगवान का दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने थोड़ा शूट कर लिया है, वो आप लोग देखिए। जय बद्री विशाल। और मैं नरसिंह भगवान का दर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं, और ऊपर से बाथरूम वगैरह जाता रहता हूँ। और नहाने के लिए मैं जगह ढूंढा लेकिन जगह नहीं मिला है। तो अभी बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करने जा रहा है। तो बद्रीनाथ के दर्शन के बाद जब आएंगे लौट के, जब वापस आएंगे तब नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। जय नरसिंह भगवान। और बाकी व्यू देखो भाई क्या मज़ेदार आ रहा है ना। अभी यहाँ से बद्रीनाथ 35 किलोमीटर और गोविंद घाट 10 किलोमीटर बचा हुआ है, और अभी हम लोग को जाना है राइट साइड। ये देखो 35 किलोमीटर है बद्रीनाथ, और पहुँच जाएंगे हम आराम से शाम तक, धीरे धीरे चलाएंगे। और अभी इतना ज़रा ढलन आया है ना, ये देखो पहाड़, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना बादल, ऊपर से हम लोग नीचे आया है, इतना ज़रा ढलन। अभी देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है पहाड़ों में, क्योंकि बादल आ गया है ना इसलिए। ये देखो अर्जुन भाई लोग यहाँ पे रुका हुआ है। यार ब्रेक बड़ा खतरनाक है तुम्हारा। हाँ ब्रेक, एक ही ब्रेक से कैसे काम चला रहे हो तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि साइकिल भी जानता है ना अपने मालिक को। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे मूड होना पड़ेगा क्योंकि सुबह से इन लोगों को वेट करके करके भाई साहब इतना घंटा लगा दिया ना। तो ये देखो कॉपटर वाला भाई, जानता ही होगा इसका वीडियो अभी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, कॉपटर लेके ऐसे बढ़ते हैं। ए डब्ल्यू के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अभी इस बोतल से अभी मैं मूड होएंगे, उसके बाद दुकान में कुछ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और पहाड़ देखो वो जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर से हम लोग आए हैं नीचे, इतना ज़रा ढालन है। आज हम लोग बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। जय बद्री विशाल। देखो डाबरू का फैन हर जगह में मिल जाता है, डाबरू का फैन। क्या डाबरू के लिए यार एक लाइक और एक कमेंट करना यार। हाँ चाय बनाओ। हाँ ये भी तीन डबरू परेशानी हो गया है। ये देखो डबरू नीचे उतर। ये देखो अभी गुस्सा हो रहा है, देखो काट रहा है भाई, मुझे काट रहा है डबरू। तो परेशानी हो गई क्या? हाँ ये देखो बेचारा, इतनी लोग पकड़ पकड़ के उस फोटो खींचा है, अर्जुन ने दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह बेचारा। अरे गुस्सा आ रहा है मेरे को लोगों को। तो अभी दुकान में बैठ चुके हैं हम लोग चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। और बाकी ये देखो पहाड़ अभी चढ़ा है, स्टार होने वाला है हमारा। अब आगे से चढ़ाई है ना, कितनी है? ठीक ठाक है ना? थोड़ी है डबरू। आ बेटा, अरे यार मत कटो, मत कटो, अब तुम परेशान कर रहे हो, खाने नहीं दे रहे। अभी हम पहुंच गए हैं विष्णुप्रयाग, और बाकी ये देखो ये है अलकनंदा, और उस तरफ है विष्णुप्रयाग धाम मंदिर। तो आते वक्त दर्शन करेंगे। अभी देखो पहाड़ बहुत चढ़ाई करना है हमको, और ये देखो अलकनंदा बद्रीनाथ से जो बद्रीनाथ धाम है ना वहाँ से आ रहा है ये पानी, और देखो पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहा है, और नीचे में है मंदिर। तो लौटते वक्त
मंदिर का दर्शन करके करके जाएंगे। तो अभी चढ़ाई करते हैं ऊपर। अभी चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं अपनी राइट, अभी चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के लिए और बद्रीनाथ यहाँ से 35 और शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अर्जुन भाई डबरू किधर है? तो चल रहे हम लोग बद्रीनाथ की ओर। और ये देखो पीछे बजरंग बली का झंडा कितना प्यारा मस्त लग रहा है भाई। इसी की वजह से हम लोग सही सलामत है। और बाकी पहाड़ को देखो कितने खूबसूरत लग रहा है। तो चल रहे हम लोग को मिल रहे ऐसे ही रास्ते में मिलता रहेंगे और आप लोग को नजरा वगैरह अभी जब ही दिखाते रहेंगे। और ये देखो ऐसे ही पत्थर कट करके रास्ता बनाया है बद्रीनाथ रास्ता। जब आप लोग बद्रीनाथ यात्रा पर आओगे ना तब आप लोगों को सब कुछ दिखेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड देवभूमि का जो चार धाम आता है ना भाई साहब, सभी धाम चारों धाम भी बहुत खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। जो सीमेंट से थोड़ा ढलान मिला नीचे और अभी देखो कितना चढ़ाई मिल गया है, बड़े बड़े पहाड़ ये देखो। और अर्जुन भाई देखो पीछे रह गया है और बाकी ये वाला पहाड़ तो बहुत मस्त दिख रहा है भाई, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पे पूरा ग्लेशियर हो जाता है। दुकान वगैरह भी नहीं है, सामने एक दुकान एक घर दिखाई दे रहा है, पता नहीं वो दुकान है कि नहीं। अर्जुन भाई को थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। अभी आते आते बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है और देखो साइकिल यहाँ पे रख चुका है और मौसम देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश में बादल बरसा बिजली सावन को नाना ऐसे ऐसे डांस करो, बादल बरसा बिजली चढ़ा पानी। और साइकिल यहाँ पे रख चुका है, अर्जुन भाई डांस कर रहा है और मौसम देखो बादल बरसा हो गया। और पता नहीं ये किसका घर है, हम लोग ये पे थोड़ा बहुत रेस्ट किया, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट बस। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़। और यहाँ से बद्रीनाथ और 20 किलोमीटर है। और यहाँ से 20 किलोमीटर है पहुंचना है। चलो चलो जल्दी यार, ये कितना खूबसूरत लग रहा है मौसम। बादल बरसा बिजली चढ़ चढ़ पानी। अर्जुन भाई का डांस क्या मस्त है भाई। चलो फिर चलते हैं। और ये बारिश ऐसे ही होता रहता है क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ही बारिश होता है। ये वाला बारिश ना ज्यादा गिरता है, ज्यादा गिरता नहीं है। और ये देखो डब्रू अंडर मास्क करके रहा है क्योंकि यहाँ पे शुरू हो गया है। देखो मौसम क्या मजे, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग? तो अभी चलते हैं चलो। और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं भाई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो चलो चल रहे हैं। ये देखो पूरा आगे का बैग पूरा भीग गया है मेरा। और रास्ते में ये देखो क्या झरना देखने को मिला है भाई, मस्त वाला झरना, मस्त कितने खूबसूरत लग रहा है। और बाकी देखो बारिश अभी भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी चालू है अभी भी। और अभी पहुंच गए हम लोग पहाड़ का पत्थर के रास्ता। ये देखो ऐसा है रास्ता, बद्रीनाथ मार्ग, बद्री बाबा बद्री विशाल धाम जाने के लिए यही रास्ता है। देखो पत्थर काट के कैसा बना गया है, अगर ये सिर पर गिर गया ना ऊपर से नीचे तो भाई गायब हो जाऊंगा। तो यहाँ से जल्दी से फटाफट निकलते हैं, अर्जुन भाई गया है आगे। और अभी अभी एक पानी का डैम देखने को मिला है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और बाकी ऊपर देखो बादल बादल, बाकी ये जो पानी आ रहा है ना भाई क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़िया जबरदस्त दिख रहा है, जबरदस्त।
और बाकी पहाड़ों का रास्ता क्या ही दिखाऊं भाई, ऐसे 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 पहाड़ को पट्टी करके बनाया है। अभी फिर से हम लोग चढ़ाई कर रहा है, ये देखो ऐसा वाला नीचे से आना पड़ रहा है ऐसे करके, और उस थोड़ी तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद हनुमान चड्डी यहाँ से 3 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 13 किलोमीटर। और ये देखो पहाड़ी पहाड़ है, और उस तरफ है ग्लेशियर का पहाड़, ये देखो ग्लेशियर का पहाड़। और अभी हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे रुक चुका है, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हनुमान चड्डी, और यहाँ से बद्रीनाथ 11 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ जी, क्योंकि मोक्ष का द्वार मोक्ष का धाम तो श्री बद्रीनारायण धाम में ही है, और क्योंकि वो सृष्टि का पालनहार है ना, इसलिए वैकुंठ धाम। और बाकी ये देखो अभी 6:30 हो गए हैं, और अभी भी ये देखो अंदर नहीं हुआ है, पूरा पहाड़ों में चल रहा है हम लोग। तो अभी रात के 8:00 कितने हो गया, 8:30 8:30 हो गए। और ये देखो रोटी आ चुका है, क्योंकि मैं प्यास वाला नहीं है, हाँ वाइड एंगल है 6.0। और अभी ये दोनों भाई का नहीं आया है, भाई दोनों फोन चार्ज कर रहे हैं, और मैं तो आराम से खाना खाऊंगा अभी, और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, थोड़ा बात करते हैं, और उसके बाद ठंडा भी लग रहा है। ये देखो उसके हेलो आ गया अर्जुन का, और डबरू किधर गया, डबरू फिर वो डबरू उधर है, और बाकी भाई लोगों का खाना भी आ चुका है, ये देखो ये लेके जाओ। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों कल मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ गया था, पूरा दिन साइकिल चलाया पहाड़ों में, और बहुत ज़्यादा भयंकर नींद आया था। और ये देखो मेरा साइकिल पंचर हो गया है, अभी इसको ठीक करके फिर से चढ़ाई में लगना पड़ेगा। और ये देखो सुबह का मौसम इस प्रकार है, और ये देखो अर्जुन भाई का तो एडिट हो गया, और मेरा ऐसे ही बहुत सारा ब्लॉग पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है ना रात को। कल हम लोग इसके अंदर सोया था, पता नहीं ये कौन सा घर है। ओ अर्जुन, ये कौन सा घर है अर्जुन, इस घर का नाम क्या है, हाँ पंचायत घर। तो यहाँ पर रुका था हम लोग यहाँ पर, और ये देखो पहाड़ों में बादल आ गया है फिर से, कितना मस्त दिखता है ना, वाव। तो अभी मैं पंचर बना लेते हैं, और आज का ब्लॉग इतना ही है, कल का ब्लॉग मैं आज कर रहा हूँ, ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।